आचार्य श्री विहर्ष सागर जी वीर मंडल के तत्वावधान में 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जहाजपुर तीर्थ यात्रा हेतु रवाना होंगी बस। 27 मार्च को होगा यात्रा का समापन। बिहार के कटिहार स्थित श्री वासु पूजा दिगंबर जैन मंदिर में गणी आरिका श्री विंध्य श्री माता जी सत्संग के मंगल सानिध्य में 10 मार्च से 15 मार्च के मध्य आयोजित होगा श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। तैयारियों में जुटी आयोजक कमेटी। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित खड़ेरी के अयोध्या खेल परिसर में 6 से 11 मार्च के मध्य होगा श्री मजीनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। सभी को आमंत्रित कर रही आयोजक समिति। भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में सूरत स्थित अतिशय क्षेत्र कतार गांव में 24 से 26 अप्रैल के मध्य होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। मध्य प्रदेश के डिंडौरी स्थित श्री 1008 प्राचीन विघ्नहरण पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र शहपुरा में 27 फरवरी से 3 मार्च के मध्य होगा भव्य पंचोत्सव का आयोजन। मुनि श्री प्रक्षाल सागर जी एवं मुनि श्री रत्नत्रय सागर जी महाराज सत्संग का मिलेगा मंगल सानिध्य। श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ के तत्वावधान में 5 मई को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित होगा युवक युवती परिचय सम्मेलन। 16 मार्च से 20 मार्च के मध्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में भिंड स्थित रानी विरगवा के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर में होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित जैन नगर खेड़ा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 11 मार्च से 16 मार्च के मध्य आयोजित होगा श्री पार्श्वनाथ जिन विम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बापू नगर के श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चतुर्दशी के पावन दिवस पर भक्तों ने किया प्रभु का महामस्तकाभिषेक। 28 फरवरी को जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में मनाया जाएगा श्री 1008 भगवान पदम प्रभु का निर्वाण कल्याणक महोत्सव। साथ ही होगा महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन।